हेलो गाइस, मैं आपको यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे वेलकम करती हूँ। आई होप यू ऑल आर वेल। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द लीडिंग पोइट्स ऑफ पाकिस्तान, वासिफ अली वासिफ। सो लेट स्टार्ट। वासिफ अली वासिफ इज़ अ राइटर, पोइट, टीचर एंड सूफी फ्रॉम पाकिस्तान। सूफी इज़ अ पर्सन हु स्ट्रॉन्गली बिलीव्स इन इस्लाम। वासिफ अली वासिफ वॉज बोर्न ऑन January 15, 1929 इन खुशाब। वासिफ अली वासिफ 15 जनवरी 1929 में खुशाब में पैदा हुए। हिज फादर नेम वाज मलिक मोहम्मद आरिफ। उनके फादर का नेम मलिक मोहम्मद आरिफ था एंड ही बिलोंग टू द एंशियंट एंड रिस्पेक्टेड अफान ट्राइब देयर। और वो वहाँ के एक कदीम और इज्जतदार कबीले अवान से बिलोंग करते थे। ही इज़ फेमस फॉर हिज यूनिक लिटरेरी स्टाइल। वो अपने यूनिक लिटरेरी स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही यूज़ टू राइट शॉर्ट पीसेज ऑफ प्रोज। प्रोज मीन ऑर्डिनरी राइटिंग, इट मीन्स लाइक स्पीच ऑन टॉपिक्स लाइक लव, लाइफ, फॉर्च्यून, फेयर, होप, एक्सपेक्टेशन, प्रोमिस, प्रेयर, हैप्पीनेस, सोरो एंड सो ऑन। ही रीड पोइट्री इन उर्दू एंड पंजाबी लैंग्वेजेस। उन्होंने उर्दू और पंजाबी लैंग्वेजेस में जो है वो पोइट्री लिखी। प्रोबेबली नो कंटेम्प्रेरी उर्दू राइटर इज़ मोर साइटेड इन कोटेशंस देन ही इज़। और कोई भी उर्दू राइटर जो है उन्होंने इस तरह की कोटेशंस नहीं लिखी जिस तरह की वासिफ अली वासिफ ने लिखी हैं। देन हिज एजुकेशन, ही पास्ड द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब इन 1942। उन्होंने अपनी मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब से हासिल की 1942 में। आफ्टर डैट ही वेंट टू जंग विद हिज ग्रैंड फादर। उसके बाद अपने ग्रैंड फादर के साथ जंग आ गए। ही पास्ड मेट्रिकुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग। उन्होंने अपनी मेट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग से पास किया ऑन नवंबर 1944 में। देन पास्ड एफ ए फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज जंग इन 1948। फिर उन्होंने अपना एफ ए पास किया गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज जंग से 1948 में। एंड बी ए फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज जंग इन 1949। और फिर बी ए किया गवर्नमेंट कॉलेज जंग से 1949 में। एंड देन डिड एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में है। फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर किया। ही आल्सो पास सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑन June 3, 1954। उन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी पास किया 3 June 1954 में। देन हिज करियर, वासिफ अली वासिफ चूज टीचिंग। वासिफ अली वासिफ ने सबसे पहले टीचिंग चूज़ की। सब्सिक्वेंटली ही एस्टेब्लिश्ड हिज इंस्टीट्यूट। उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक इदारा बनाया, लाहौर इंग्लिश कॉलेज, ये उन्होंने उसका नाम रखा इन 1962 नियर द फेमस अनारकली लाहौर, लाहौर में अनारकली बाजार के पास। ही आल्सो पास्ड सी एस एस एग्जाम्स। उन्होंने सी एस का एग्ज़ाम भी दिया बट डिड नॉट परस्यू देम ड्यू टू हिज ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ हिज माइंड स्टेट। वो थोड़े मेंटली मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, कोई इस वजह से वो सी एस एस का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। वासिफ वॉज अ गुड हॉकी प्लेयर। वासिफ जो थे वो एक अच्छे हॉकी प्लेयर थे, रिसीविंग मेनी अवार्ड्स ड्यूरिंग हिज स्कूल एंड कॉलेज डेज। और हॉकी प्लेयर होने की वजह से उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे अपने स्कूल और कॉलेज डेज में। बिसाइड्स राइटिंग इन उर्दू, उर्दू राइट करने के अलावा ही पेंड इन इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश में भी वर्क लिखे हैं इंक्लूडिंग टॉपिक्स इन टॉपिक्स पे लाइक फेयरवेल पार्टी एंड कॉलेज मिजरेबल लाइफ। हैविंग एन इंटरेस्ट इन सूफीज़म इन चाइल्डहुड चेंज्ड हिज लाइफ लेटर एज ही मेट मैनी सूफी इंटेलेक्चुअल्स थ्रू आउट हिज लाइफ। उनका चाइल्डहुड से ही उनका सूफीज़म में इंटरेस्ट था और जैसे जैसे मतलब उनकी लाइफ चेंज होती गई वो बहुत सारे सूफ़ी इंटेलेक्चुअल्स से मिले। बहुत सारे जो है वो सूफ़ी इंटेलेक्चुअल जो बहुत बड़े बड़े थे वहाँ पे उनसे वो उन्होंने मुलाकात की अपनी लाइफ में। ही इज़ बेस्ट नोन एज द मास्टर ऑफ एफोरिज्म। यू कैन डिस्क्राइब द मीनिंग्स। एफोरिज्म मीन्स जो अकवाले ज़रिए लिखते हैं, छोटे छोटे कॉल लिखते हैं जो ट्रूथ पे रियलिटी पे बेस करते हैं, तो वो मास्टर जाने जाते थे एफोरिज्म के। यू कैन डिस्क्राइब द मीनिंग्स, जो मीनिंग्स को डिस्क्राइब करते थे। देन हिज फेमस वर्क्स शब ए चिराग, ये उनकी उर्दू पोइट्री है जो उन्होंने 1978 में लिखा। देन किरण किरण सूरज,
एफोरिज्म है 1983 में लिखा गया, दिल दरिया समंदर इनके ऐसेज हैं जो 1987 में लिखे, देन कतरा कतरा कलजम ये भी उनके ऐसेज हैं जो 1989 में लिखे गए, एंड ओशन इन रोप इंग्लिश वेरियन ऑफ कतरा कतरा कलजम जो 1989 में लिखा गया। देन हिज डेथ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल सूफी इंटेलेक्चुअल वासिफ अली वासिफ डाइड ऑन 18 जनवरी 1993 इन लाहौर। मोस्ट रिस्पेक्टेबल सूफी इंटेलेक्चुअल वासिफ अली वासिफ की 18 जनवरी 1993 में लाहौर में डेथ हो गई। हिज श्राइन इज इन द मियानी साहब ग्रेवयार्ड, उनकी श्राइन जो है वो मियानी साहब ग्रेवयार्ड में है। फिर थाउजेंड्स ऑफ हिज फॉलोअर्स कम टू पे ट्रिब्यूट ईच डे, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हर रोज़ उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आते हैं। डैट्स ऑल, ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।